question forms were only submitted by one side and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of document, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? Ji. वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका जी नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कोई कंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज है, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी वहाँ है, इट हैज बीन सिंस सम टाइम नाउ। अच्छा जी, तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि। तो सो वी देन थॉट टू आवरसेल्व्स कि देयर आर टू ऑप्शंस, अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो देन वी शुड हैव निश्तर हॉल, और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे नियर आर हेड ऑफिस विच इज द ग्राउंड। तो वी आस्क्ड फॉर सिक्योरिटी, वी रिक्वेस्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि हम ये हमारी ऑप्शंस हैं, आप हमें सिक्योरिटी दे दें। This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पिशावर में फ्राहम करें। This is at page 12. And then your lordship, eventually, if your lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो नॉमिनेशन जिस तरह लोग आते गए, इट वॉज ऑल पुट ऑन द मीडिया, एंड इफ योर लॉर्डशिप लुक्स एट पेज 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ईसीपी को? ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया, सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया। तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का, उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए। जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आती की पेपर बुक जी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है। जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी लेटर, आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है, और ये 11/30 उसका हमने राइटिंग में जवाब दिया, 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें जी। इस उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली, एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी के इन ऑल द न्यूज़पेपर्स एक्चुअली पब्लिश्ड इट, पीटीआई इंट्रा पार्टी पेज 16, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है, पेशावर इंट्रा पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे। सो दैट वाज आल्सो द पब्लिक वाज अवेयर। ऑन पेज 17 योर लॉर्डशिप विल सी के वेयर द नॉमिनेशन पेपर्स एंड द सेकेंडर्स एंड द in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers, and similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that they were, the panelists were coming in. Ab jab ye first ka date khatam ho gayi sir, इवन ये जो थे, हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं
वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे, तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है। टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस ही वॉज अलाउड इन टू कम इन टू द ऑफिस, सो ही कुड हैव, इफ ही हैड अ पैनल ही कुड हैव कंटेस्टेड इट। आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया। कौन सा पैनल, सेंटर से करना चाह रहे थे वो, प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर वो करना चाहते उनके पास पैनल होता तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली, वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन, एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके। पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में सर। आई विल रीड द पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 पेज 140 जी पैरा आइटम 5 लास्ट इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। एंड अगर आप 5.2.2 पे आ जाए सर सीधा नेक्स्ट पेज पे 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे इलेक्शंस शैल बी हेल्ड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द एलिजिबल पार्टी मेंबर्स cast to the panel of candidates as specified for each organization including wings as given in the relevant clauses. So your lordship, I'm going to pass some arm. Ek shakhs nahi lad sakta election. Nahi sir, chairman ke kyu कहीं लिखा है ये सर? पैनल है ना जी? नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं। आई रीड द ऑल ऑफ इट। द इलेक्शंस फॉर ऑल द फॉलोइंग ऑफिसेस 5.2.1 ऑल द फॉलोइंग ऑफिसेस शैल बी हेल्ड एवरी 3 इयर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, सेंटर ये, ऑल अदर ये। इलेक्शन शैल बी हेल्ड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द एलिजिबल पार्टी मेंबर्स कास्ट टू द पैनल ऑफ कैंडिडेट्स एज स्पेसिफाइड फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। सो इलेक्शन शैल बी हेल्ड फॉर पैनल इटसेल्फ। It does not specify कि individual कर सकता है। Panel कहीं इसका explain किया गया है? कहाँ explain? नहीं sir। हाँ? Explain नहीं किया गया। ये 5.1.1 भी पढ़ लें। जी। Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be ये किधर हुआ? ये वाला election कहाँ हुआ? ये भी उधर ही हुआ सर। ये भी nomination paper। इधर तो panel का concept नहीं। इधर नहीं है। So there are two। ये तो एक शख्स ने भी vote नहीं cast किया? नहीं सर, nobody came and opposed him। इनके भी nomination papers अगर आप देखें, तो nomination papers इनके भी ये जो हैं, इफ योर लॉर्डशिप टर्न्स टू पेज 17, यस पेज 17, नहीं दो अलग अलग बातें हैं ना जी। ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन जी, मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है। इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स, तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है। बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े, तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे। फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा। नहीं, इसमें आपके अपने आईन में आप जा रहे हैं, हम आपको आईन से अपने दूर रखना चाह रहे थे जी जी, मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ब्रैकेट में लिखा है द लीडर जी शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स जी, सीक्रेट बैलेट जी, ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी। तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना वोट, अगर सर कंटेस्ट ना हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन एक शख्स ने, मैं मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी,
शैल बी इलेक्टेड, उनको वोट तो डालना होगा फिर भी। क्या जी, हजार ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1,00,000 ने दे दिया। सर इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू। देखिए वोटिंग ये भी हो सकती है, मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, मगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बाजी, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती, बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं। जी जी ठीक है, तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको पार्ट दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं। तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे, फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1,00,000 वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके। मतलब सर माय जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं आई विल टेक ओनली खैर आगे बढ़े सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ। I'll read it. Your lordship doesn't have to open it. कि वहाँ भी लिखा हुआ है कि where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate. The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. Okay, so, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा shall be elected by the direct secret votes, but I mean कि आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझे मुझमें अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं, what I mean, सपोज एक वोट नहीं पड़ता फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट पर आपकी मेंबरशिप के 8.5 जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते कि यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 लाख में से, तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा ली। माय रीडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। आई वुड से कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो ही वुड स्टिल बी इलेक्टेड ऑल्दो अनकंटेस्टेड। तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ कि एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म। तो ये देखें फिर, ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना, डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रॉब्ली, अब खुद से सिलेक्ट, आप देखिए अब आपके एक से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये बस ये जी इलेक्शन हो गए, गौर साहब भी उन्होंने दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे, तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई फिर। सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई, आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जी, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है, अगर आपको एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सो आई एक्चुअली क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए, सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर टू सीट्स, अच्छा टेक्नोक्रेट का अलग है, दो लोग थे मैं और एक तार साहब, अच्छा आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम, उस पे उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं, सो वो मैं अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम ऑल्सो सॉरी मैं आपका कोई ज़ातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। नहीं मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना फिर, ये सिलेक्शन भी मतलब क्या सोचेंगे, सिलेक्शन हो गया क्या हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाएं। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन, मतलब मसला क्या था, ये तो कब से वो कह रहे करो 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 बाबा करा दो, पहले क्यों नहीं किया, आ जाओ बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो, पहले किया से जून में वो फिर खत्म हो गया, नहीं वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली करा रहे, भाई लाओ बच्चा चलो आप खड़े हो जाओ, बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए, हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। तो जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इन पेज 315 पे जरा देखिए, 314 एंड 315,
आप ये देखेंगे अब आप देखें सर पेपर ये टू की बात कर रहे हैं जी सो योर लॉर्डशिप विल सी कि दे हैव द इलेक्शन कमीशन की ही अपील है उसमें उन्होंने पीएमएल का लिखा हुआ है मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड एस एन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड एक्सेट्रा इफ द एंटायर दे ओनली गिवन सिक्स पीपल Nothing else. All unopposed. And on the next...